आज भी जब क्रिकेट लवर्स के सामने श्रीसंत का नाम आता है तो उन्हें जो पहली चीज याद आती है वो ये है कि उन्हीं की वजह से पहली बार टीम इंडिया साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैच जीती थी। विवाद और श्रीसंत का पुराना रिश्ता है, पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि श्रीसंत आज तक के सबसे बेहतरीन एग्रेसिव बॉलर्स में से हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीकन बॉलर्स का लेवल मैच करा था। पॉलिटिक्स और मीडिया के शिकार श्रीसंत ने अपना करियर खोया, वो भी सिर्फ एक इल्जाम के ऊपर। आज की इस वीडियो में मैं आपको श्रीसंत की जिंदगी की पूरी कहानी बताऊंगा और फिर आप ही तय करिएगा कि कौन सही है और कौन गलत। श्रीसंत का जन्म 6 फरवरी 1983 को केरल में हुआ। बचपन में श्री ने लेग स्पिनर के तौर पर क्रिकेट खेलना शुरू करा। वो शुरुआत से ही अनिल कुंबले को अपना आइडल मानते थे, जिनके साथ आगे चलकर उन्होंने कई मैचेस भी खेले। अपनी यॉर्कर डालने की आदत की वजह से उन्हें आगे चलकर फास्ट बॉलिंग में स्विच करना पड़ा। श्रीसंत के बड़े भाई ने श्रीसंत को शुरुआती दौर में क्रिकेट खेलने के लिए बहुत मोटिवेट करा। श्रीसंत ने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू 2002 में करा। रणजी और दिलीप ट्रॉफी खेलने के बाद उनका इंडिया ए में भी सिलेक्शन हो गया। आपको बता दूं कि श्रीसंत शुरुआत से ही एक बेहतरीन बॉलर थे और 2004 में श्रीसंत ने रणजी ट्रॉफी में हैट्रिक ली, जिसके बाद सेलेक्टर्स तक उनकी बातें पहुंची। और तो और उन्हें अगले टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी मिला, जिसके बाद उनका इंडिया की ओडीआई टीम में भी सिलेक्शन हो गया और इसी के साथ उनका टेस्ट टीम में भी सिलेक्शन हो गया। पहले ओडीआई मैच में श्रीसंत ने 2 विकेट्स ली, अगली सीरीज में उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। अब तक श्री अपना टैलेंट पूरे देश को दिखा नहीं पाए थे। पाकिस्तान के खिलाफ अगली सीरीज में श्रीसंत ने 4 विकेट्स लिए और उसके बाद इंग्लैंड सीरीज में उन्होंने एक ही मैच में 6 विकेट्स लिए। उनके अग्रेसिव एटीट्यूड और शानदार बॉलिंग ने पूरे देश को उनका फैन बना दिया था। इसके बाद ही उन्होंने टीम इंडिया के साथ सी ग्रेड कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करा। श्रीसंत ने अपने टेस्ट डेब्यू मैच में 4 विकेट्स लिए और जो अगला टेस्ट मैच वो खेले उसमें उन्होंने 5 विकेट्स लिए। श्रीसंत इसके बाद वेस्ट इंडीज टूर पर लीडिंग पेस बॉलर बनकर आगे आए। उन्होंने 4th टेस्ट में 72 रन देकर 5 विकेट्स निकाले। श्रीसंत शुरुआत से ही फील्ड पर काफी नटखट, एग्रेसिव और एनर्जेटिक रहे हैं। कई बार उन्हें एम्पायर से कोड ऑफ कंडक्ट वायोलेशन की वार्निंग भी मिली। जैसे एक बार वे साउथ अफ्रीकन बॉलर आंद्रे नेल के अगेंस्ट बैटिंग कर रहे थे। आंद्रे की फास्ट बॉल श्रीसंत की चेस्ट पर आ रही थी और श्रीसंत उन्हें खेलने में नाकाम हो रहे थे और तभी आंद्रे ने श्रीसंत को चेस्ट की तरफ इशारा करते हुए टॉन्ट करा। अगली ही बॉल पर श्रीसंत ने जोरदार सिक्स लगाया और फिर विकेट के इर्द गिर्द डांस कर आंद्रे को चिढ़ाया। इसके लिए श्रीसंत को एम्पायर से वार्निंग भी मिली। श्रीसंत ने अपने टेस्ट करियर में 37 की इकोनॉमी के साथ 87 विकेट्स लिए और ये सिर्फ उन्होंने 27 मैचेस में हासिल करा, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। 2007 के T20 वर्ल्ड कप में श्रीसंत ने अहम भूमिका निभाई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जा रहे सेमीफाइनल में श्रीसंत ने एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडन की इम्पोर्टेंट विकेट्स निकाली, जिसके बाद आगे चलकर टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीती भी। 2011 के वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में भी श्रीसंत ने बहुत अच्छी इकोनॉमी बनाए रखी और श्रीलंका के अटैक को रोके रखा। दोस्तों, इसके बाद श्रीसंत की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था। एक बार एक बहुत महान कवि ने ये कहा था कि वक्त की एक ही अच्छी और बुरी बात है कि ये बदलता जरूर है। वर्ल्ड कप के 2 सालों के बाद ही 2013 IPL में 3 खिलाड़ियों को स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में अरेस्ट करा गया। श्रीसंत सहित अजय चंदीला और अंकित चौहान के कॉन्ट्रैक्ट्स को राजस्थान रॉयल द्वारा सस्पेंड कर दिया गया। श्रीसंत को दिल्ली पुलिस ने कस्टडी में रखा, जहां उनसे वो जुर्म कन्फेस कराने की कोशिश करी गई जो उन्होंने कभी करा ही नहीं था। उन्हें ब्रेन वॉश करने की भी कोशिश करी गई, पर श्रीसंत डटे रहे। इसी बीच राजस्थान रॉयल्स के को ओनर राज कुंद्रा को भी कस्टडी में रखा गया, जहां पुलिस का कहना है कि उन्होंने कन्फेस करा कि वे एक बुकी फ्रेंड के साथ मिलकर फिक्सिंग किया करते थे। इसी वजह से IPL ने राज कुंद्रा को भी सस्पेंड कर दिया। इसी बीच चेन्नई सुपर किंग्स और BCCI के कुछ ऑफिशियल्स का भी नाम स्पॉट फिक्सिंग में आगे आया, जिससे ये पता चला कि ये स्कैंडल बहुत फैला हुआ है और इसकी गहराई बहुत ज्यादा है। कुछ दिनों के बाद ये खबर आई कि श्रीसंत और अंकित चौहान ने कन्फेस करा कि वो भी स्पॉट फिक्सिंग का हिस्सा थे। बेल पर बाहर आने के बाद श्रीसंत ने सबको बताया कि उन्होंने वो कन्फेशन बहुत ज्यादा प्रेशर और मेंटल टॉर्चर के बाद दिया था। 12 दिन के ट्रायल में श्रीसंत को कई ऑफिसर्स ने कन्फेस कराने की कोशिश करी थी, पर जब वे नहीं माने तो अंत में उनसे कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन कराया गया, जिनमें से एक डॉक्यूमेंट उनके कन्फेशन का था। असल में श्रीसंत ने कभी बातचीत में कन्फेस करा ही नहीं था, बल्कि पुलिस ने उनसे कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन कराए थे जिनके तहत उनका कन्फेशन सिद्ध हुआ। और इसी बीच BCCI ने श्रीसंत पर लाइफ टाइम बैन लगा दिया, वो भी तब जब उन पर लगा हुआ इल्जाम कोर्ट में साबित भी नहीं हुआ था। श्रीसंत ने बड़े ऑफिशियल्स और चीफ्स को लेटर लिखे, जिनका कोई जवाब नहीं आया।
कोई ठोस सबूत ना होने की वजह से श्रीसंत को जेल से रिहा कर दिया। वहीं दूसरी ओर कई लोग अरेस्ट भी हुए, जिनमें सबसे बड़ा नाम उस वक्त के BCCI प्रेसिडेंट एन श्रीनिवासन के सन इन लॉ गुरुनाथ मैयप्पन का आया। 2 सालों तक श्रीसंत के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चलती रही। इसी बीच कई इन्वेस्टिगेशन कमिटीज भी बनी, जिनके चलते चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को सस्पेंड भी करा गया और कई बड़े नामों को अरेस्ट करा गया। जुलाई 2015 में पटियाला हाउस कोर्ट ने श्रीसंत को बेकसूर बताया, क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं था। निर्दोष साबित होने के बावजूद भी BCCI ने श्रीसंत से बैन नहीं हटाया। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स कभी भी पब्लिक के साथ शेयर नहीं करी गई। श्रीसंत हमारे देश की पॉलिटिक्स का शिकार हुए और इंडियन मीडिया जिस तरीके से न्यूज दिखाती है वो तो आप सभी जानते हो। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पॉलिटिक्स और मीडिया की वजह से हमारे देश की क्रिकेट टीम ने एक शानदार फास्ट बॉलर खो दिया। अभी श्रीसंत बिग बॉस शो का हिस्सा बने हुए हैं और शो में सभी के फेवरेट भी हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं 2013 के स्पॉट फिक्सिंग केस पर पूरी एक अलग वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।